हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज टेप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कहीं पे भी आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और आप तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे देते हैं तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। UIDAI ने ऐसा एडवाइजरी जारी की है भारत के समस्त सिटीजन को जिनके पास भी आधार कार्ड है। तो अगर आप ऐसा हर जगह करते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ, आपके बैंक के साथ, आपके पैसे के साथ फ्रॉड हो सकता है और आपके आधार कार्ड को कहीं भी इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। आइए सबसे पहले उस एडवाइजरी को देख लेते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर यहाँ बगल में कि UIDAI ने क्या एडवाइजरी जारी की। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 मई 2022 को एक एडवाइजरी जारी की गई है UIDAI की तरफ से। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डू नॉट शेयर फोटोकॉपी ऑफ योर आधार विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं भी नहीं देना है बिकॉज इट कैन बी मिस यूज। अल्टरनेटिवली प्लीज यूज अ मास्क आधार विच डिस्प्ले ओनली द लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर आधार। यानी साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी किसी को नहीं देना है, अगर किसी को देना भी है तो आपको मास्क आधार देना है जिसमें केवल लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं, बाकी के सारे डिजिट XXX के फॉर्मेट में होते हैं। तो गाइज, ये वाला आधार कार्ड आपको, मास्क वाला आधार कार्ड आपको कहाँ मिलेगा, हम अभी आपको गाइड करेंगे और आपको वो मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं और कोई भी मांगे आपको तो वो दे सकते हैं। तो गाइज, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज अवॉइड यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर एट एन इंटरनेट कैफे क्योस्क डाउनलोड ई आधार। हाउएवर इफ डू सो प्लीज इंश्योर दैट यू डिलीट ऑल द डाउनलोड कॉपीज ऑफ योर ई आधार परमानेंटली फ्रॉम द कंप्यूटर। और यहाँ पे एक एडवाइजरी आपको और बताई जा रही है कि आप कहीं पे जाते हैं किसी के कंप्यूटर पर, साइबर कैफे पे, या किसी से बोल देते हैं भैया मेरा आधार डाउनलोड कर दीजिए, आप उसे OTP भी बता देते हैं और साथ में आप वहाँ से आधार डाउनलोड करवा लेते हैं। उसके बाद जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं तो आधार कार्ड की जो आपकी कॉपी है ना, उस बंदे के कंप्यूटर में रह जाती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, खुद से किसी साइबर कैफे पे डाउनलोड करते हैं अपना आधार, तो प्लीज उसे तुरंत डिलीट कर दिया करिए। डाउनलोड करने के बाद जब आप प्रिंट आउट ले लें उसके बाद वहां से आप उसे डिलीट कर दें। या मान लीजिए किसी साइबर कैफे पे आप गए और वहां पे जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं उन्हीं से आपने डाउनलोड करवाया, तो डाउनलोड कराने के बाद जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं तो उनसे ही रिक्वेस्ट कर लीजिए, भैया प्लीज जो आधार कार्ड आपने डाउनलोड किया उसे डिलीट कर दीजिए और कंप्यूटर से उसे परमानेंटली आप डिलीट करवा दीजिए और रिसाइकल बिन से भी डिलीट करवा दीजिए, कि ताकि वो आपके आधार को कहीं मिसयूज ना कर सके। अब बात कर लेते हैं, यहाँ नीचे कुछ और चीजें लिखी गई हैं। ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ऑब्टेंड यूजर लाइसेंस फ्रॉम द UIDAI कैन यूज आधार फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को UIDAI ने लाइसेंस दे रखा है कि वो आधार आपका ले सकती हैं, उनका UIDAI के साथ टाई अप है और वो आधार को मिसयूज नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आपको UIDAI स्वयं लेती है। तो ऐसे जगहों पर आपको आधार कार्ड अगर कॉपी मांगा जाता है तो दे सकते हैं। इसमें से जैसे बैंक हो गया, किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे भी आप अपना आधार दे सकते हैं। जब भी आप DBT का कोई भी फायदा लेना होगा तो आपको आधार नंबर वहां पे देना होगा, पूरा फुल आधार देना होगा। यानी बैंक में अगर आपको KYC करवाना है तो आप वहां पूरा आधार नंबर दे सकते हैं। लेकिन जैसे आगे इसमें कंटिन्यू करके बताया गया है कि इफ अ प्राइवेट इनिशियली डिमांड टू सी योर आधार कार्ड आर सीक्स अ फोटोकॉपी ऑफ योर आधार कार्ड प्लीज वेरीफाई दैट दे हैव वैलिड यूजर लाइसेंस फ्रॉम UIDAI। अगर आपके पास कोई प्राइवेट आदमी बोलता है कि नहीं आप मुझे दीजिए आधार कार्ड तभी आपका काम होगा, तो आप उससे बोलिए भैया कि आपके पास UIDAI की तरफ से लाइसेंस है कि आप मेरा आधार कार्ड का पूरा कॉपी ले सकें। तो आप अगर उनके पास लाइसेंस है तो आप उन्हें दे सकते हैं। और ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, कहीं पर आप जाते हैं होटल में नाइट स्टे करते हैं और वहाँ पर आपको आधार मांगा जाता है तो आप वहां पे आधार अपना ना दें। अगर वो कहते हैं नहीं आधार कार्ड देना ही मैंडेटरी है, तो गाइस वहां पे आप मास्क आधार दें जिसमें आधार नंबर पूरा ना लिखा हो। वो आधार कार्ड आपको कैसे मिलेगा, आइए स्क्रीन पे आपको हम बताते हैं। इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके एक कॉपी आप हमेशा आप मास्क आधार रख करके ही चलें, कि ताकि जो भी आपसे आधार कार्ड मांगे आप मास्क आधार उनको दे दिया करिए, ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बचे रहें। लाइफ टाइम आपकी सेविंग्स जो है, आपके बैंक में जो पेमेंट जमा पड़ा है वो आपका सेफ रहे, वरना कुछ भी हो सकता है आपके साथ आधार कार्ड के जरिए, क्योंकि बहुत प्रकार के फ्रॉडेंट होते चले जा रहे हैं। तो आपको अपने इन सारी चीज़ों को बचाना है तो आप अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखना है, आधार कार्ड नंबर को किसी को नहीं देना है, सिर्फ मास्क आधार देते हुए जाना है। जो भी आइडेंटिटी के लिए मांगता है आप मास्क आधार दे दें,
कैसे मिलेगा मास्टर आधार, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है गाइस, हमने एक ब्लॉगिंग चैनल बनाया है सर्वेस ब्लॉग करके, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। प्लीज हमें वहां पे भी आप फॉलो करें, वहां पे भी आप हमें सब्सक्राइब करें, और वहां पे आप देख पाएंगे, क्योंकि पिछले करीब एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था आउट ऑफ कंट्री यानी कि नेपाल। तो आप प्लीज उसे भी देखें और वहां पे भी आप हमें सपोर्ट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज आइए देख लेते हैं मास्टर आधार हमें कैसे डाउनलोड करना है। तो गाइज अपने लैपटॉप में या मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और यहाँ सिंपल आपको लिखना है UIDAI यानी UIDAI का वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। माई आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो यहां से लॉगिन करके डाउनलोड कर लें, या डायरेक्टली आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का एक एप्लीकेशन भी आता है UIDAI का, वो भी डाउनलोड करेंगे तो इंटरनल जो सीन होगा आपके एप्लीकेशन का यानी कि जो इंटरफेस मिलेगा, ऐसा ही कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको जो यहां आप देख पा रहे हैं। और यहां से डाउनलोड आधार पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सिंपल आपको अपना आधार नंबर डालना है, और गाइस फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है यहाँ से। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे गाइस, आपको ओटीपी मिल जाएगा आपके मोबाइल फोन पर, और ये ओटीपी आपको यहाँ नीचे डालना है। लेकिन आप मास्टर आधार आपको डाउनलोड करना है, यानी ऐसा आधार कि आपका आधार नंबर उस पर प्रिंट होकर के ना आए। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, डू यू वॉन्ट अ मास्टर आधार, इस पे आप टिक कर दीजिए। इसके बाद ओटीपी डाल करके आप इंटर कर जाइए। तो गाइज यहाँ पे ओटीपी आ गया है, और मैं ओटीपी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड करेंगे, जैसे इसे क्लिक करेंगे आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा, और जो आधार डाउनलोड होगा यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसे जैसे हम ओपन करेंगे, आपका जो पासवर्ड होगा आपके नेम का 4 डिजिट आगे का होगा, जैसे मेरा नाम सर्वेस है तो मेरा SARV यानी कि SARV ये कैपिटल लेटर में मुझे लिखना है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो लास्ट का जो ईयर होगा सन, वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप करेंगे वही पासवर्ड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ पासवर्ड, और जैसे इसे सबमिट करेंगे गाइस, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैंने और चीज़ें हाइड कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे जो आधार आया है इसमें आगे के जो 8 डिजिट हैं वो XXX करके है, बाकी लास्ट का जो नंबर है वही दिख रहा है। तो यानी कि ये वाला आधार आप कहीं पे किसी को दे सकते हैं, इससे आपके साथ कोई रिस्क नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरा आधार नंबर नहीं डालेंगे, बैंकिंग जो फैसिलिटी हमें मिलता है, जो DBT होता है, जो आधार आपका लिंक होता है बैंक अकाउंट से, वो सारा पूरे आधार नंबर के साथ होता है, और कोई भी व्यक्ति जब तक पूरा आधार नंबर नहीं जानेगा आपके साथ कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी को आधार देना है मास्टर आधार देना है, यानी जिसमें XX आगे लिखा हो। अगर कोई आपसे बहस करता है इसलिए नहीं हमें वही आधार दीजिए जिसमें पूरा नंबर लिखा हो, तो उससे लाइसेंस मांग लीजिए। क्या आपके पास अथॉरिटी है UIDAI का कि आप हमारा आधार लेंगे? आप डायरेक्ट इन्हीं शब्दों में उनसे बात करिए, वो आधार नंबर आपका नहीं मांगेंगे, आधार नहीं मांगेंगे। आपको आधार किसे देना है? बैंक को आप दे सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस है UIDAI की तरफ से कि वो आपका पूरा आधार ले सकते हैं, उन्हीं को आपको देना है। तो गाइस आज का ये नॉलेज आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलूंगा किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।